सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। तो आप सभी को फिर करना है, आप सभी को जाना ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस यहाँ से मॉडल को ऐड करने से पहले गाइस मतलब कि पहले नहीं मतलब मॉडल को ऐड करना है, एंड एक PNG और है उसको भी आपको ऐड करना है जो कि होगी वॉल की। ठीक है, आपको दोनों को कैसे एडजस्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। पहले जो ये वॉल का जो PNG गाइस, इसको पहले आपको फ्रंट साइज में रखना है, मतलब फ्रंट में रखना है। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं इसको पहले पूरा स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक है, बीच में सेंटर में ला के, एंड फिर फुल स्क्रीन करना है। एंड उसके बाद हम जो है नीचे के साइड में इसको इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप सभी को मॉडल को लेना है। मॉडल को लेने के बाद पहले आपको साइज़ जो है यहाँ पे कुछ इस टाइप से रखना है। ठीक है, साइज़ जो मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको अपने मॉडल को जो ऐसे रखना है। एंड उसके बाद जो इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसको मूव अप कर देना है। तो मूव अप हो जाएगा तो आगे की साइड में आ जाएगा और जो वॉल है पीछे की साइड में चली जाएगी। तो उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना अगेन ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से एक बैकग्राउंड वाला ऑप्शन में जाके आपको हमें ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है। एंड इसको ऐड करना है। एंड उसके बाद इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, फिर उसके बाद इसको आपको मूव डाउन कर देना है, फिर उसके बाद इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद जो आपको साइज़ को छोटा कर लेना है, एंड फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको हैंड के नीचे जो है शेडो क्रिएट करना है। ठीक है, तो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार आप सभी के मतलब के जो आप लोग मेरे को जो सजेस्ट करते हो कंटेंट, मैं वही वीडियोस लाता हूँ आप सभी के लिए। तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर आप चाहते हो कि गाइस मैं आपके कोई मतलब मनपसंद का कंटेंट लाऊं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। वहाँ पे गाइस मैं मतलब कि आप जो भी मेरे को कंटेंट वहाँ पे सेंड करते हो, मैं गाइस उसी का जो है ट्यूटोरियल आप सभी को ला के देता हूँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो बाकी चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हमारी शेडो भी बन चुकी है, मॉडल भी ऐड हो चुका है, तो अब हमने यहाँ पर फोटो का डन भी कर लिया। अब गाइस इसमें बात आती है कलर करेक्शन की। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्सआर्ट का हमारा और कोई काम नहीं है, तो अभी हम इसको सेव करके इसको लेके चलते हैं पिक्सआर्ट में, लाइटरूम ऐप में। सो इसको हम लाइटरूम ऐप में ऐड कर लिया है हमने। अब क्या करना है, आप सबको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको जिसका कॉन्ट्रास्ट है उसको पहले इंक्रीज़ करना है, ठीक है, हल्का सा। फिर जो हाईलाइट है इसको यहाँ पर थोड़ा सा कम करना है, शेडो जो है इसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, एंड जो वाइट है वाइट को आपको कम करना है, ब्लैक को भी यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देना है। फिर आपको चले जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आप सभी को यहाँ पर वाइब्रेशन बढ़ाना है, ठीक है, एंड उसका जिसका टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर आप सबको जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ल्यूमिनस आपको बढ़ा देना है। ठीक है, एंड उसके बाद आप सबको फिर करना है आपको जाना है ऐसे का येलो कलर में, आपको उसका ह्यू माइनस कर देना है। फिर उसके बाद आप सबको यहाँ पर मिलेगा डार्क ब्लू, आपको उसका सेचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देना है, एंड चाहो तो ल्यूमिनस भी आप कम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गाइस आप सबको फिर करना है आपको यहाँ से कर देना फोटो को डन। एंड फोटो को डन कर देने के बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको वहाँ पर पहले फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देनी है, एंड फोटो में डाल देना है विगनेट। ठीक है, एंड उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे फीदर का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसको इंक्रीज़ कर देना है। फिर आपको चले जाना है नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ कर देनी है, फोटो में नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर रिडक्शन, आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाकी चलिए गाइस मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक लाइक, गुड बाय।